एक बार सभी बच्चे लाइव हो जाएं पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी इंडिया अदला दिस ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, जहाँ पे डेली बेसिस पे इसका टाइमिंग क्या रहता है 11:30। इसके अलावा जो दो और टाइमिंग है जिसपे मैं क्लास लेता हूँ, एक तो 7:30 शाम में ही, ये नॉलेज 365 पे है, ठीक है। और इसके अलावा एक 4 PM स्पेशल सेशन, इसको भी मत मिस किया कीजिए। ये अनअकैडमी ऐप पे होता है, बस उसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है और लाइव होना होता है। गोल सेलेक्ट करके बैंक ऑफ प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिए। जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड का भी यूज कीजिए, PRABHASH। तो माई सर प्रभास कुमार, आई बिन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 ईयर्स एंड टू मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। और सब्सक्रिप्शन नहीं लिए तो सब्सक्रिप्शन जरूर ले ले। आपको इसका मदद क्या होता है कि सीधा 10% का डिस्काउंट, फायदा क्या है ये समझिए। एक तो सारे सब्जेक्ट के क्लासेस आपको मिल जाएंगे, डाउट सेशन मिल जाता है, चॉइसेस ऑफ फैकल्टी है, मॉक टेस्ट, ये सब सारे आपको मिल जाते हैं ऑल इंक्लूसिव। एक बार जो भी बच्चे लाइव हो प्लीज शेयर कर देना। सब्सक्रिप्शन के बाद आपके पास मिलता क्या है, डेली लाइव क्लासेस हो गया सारे सब्जेक्ट का, डाउट सेशन हो गया, चॉइसेस ऑफ फैकल्टी हो गया, सिलेबस जो भी पढ़ते हो तो सेशन बेस्ड आपको एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब सारा मिल जाएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रेगुलर दीजिए, अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, किसी भी क्लास किसी भी सेशन को आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। इसका फायदा आपको क्या है कि आप 4 PM का स्पेशल सेशन देख पाएंगे, पूरा कोर्स आप फ्री में कर पाएंगे। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल जरूर कर लें। अगर टेलीग्राम पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, इसका फायदा ये होगा कि आप को नोटिफिकेशन मिल जाएगा एग्जाम से रिलेटेड जो भी आते हैं, और क्लासेस के बारे में अपडेशन मिल जाएगा। जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास विकल्प होता है कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, 12 से 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। वैसे ही कोर्स तो 6,000 का है, जो आपको 5,400 का पड़ेगा, 7,200 का कोर्स, 6,480। और ये कब, जब इस कोड का आप यूज करेंगे तब, बात समझ लो, जहाँ पे भी आप इस कोड का अप्लाई करोगे आपको रिड्यूस करके 10% मिल जाता है जो भी प्राइस होता है। 6, 12 और 24 मंथ का लेते हो तो नो कॉस्ट EMI फैसिलिटी भी है इस प्लेटफॉर्म पे, बैंक, SSC, UPSC सबको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, हु हैज वॉन द वुमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020 टाइटल, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर बता दीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार सभी फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा और पूरा सेशन जरूर कीजिएगा। Who has won the Women's British Open 2020 title? Question number first. पहला का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए जो भी बचे हैं। गेमिंग जी फटाफट आंसर दीजिए। सभी के करंट अफेयर अच्छे होते हैं, जिससे भी पढ़ना पढ़ सकते हैं और जिसको फॉलो करते हैं आप रेगुलर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु हैज वॉन द वुमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020 टाइटल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शर्मा जी फटाफट, शर्मा जी का आंसर आ चुका है। गेमिंग आप भी बताइए, क्वेश्चन ऑफ पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर बता दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। सेकंड वन है, व्हेन वाज वर्ल्ड गुजराती डे ऑब्जर्व, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इज इट 24 अगस्त, 23 अगस्त, अगस्त 22 और अगस्त 26। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन वाज वर्ल्ड गुजराती डे ऑब्जर्व, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बता दीजिए। जिसको भी आता है प्लीज आंसर दीजिएगा। व्हेन वाज वर्ल्ड गुजराती डे ऑब्जर्व,
आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 24, द कटरा टू दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय विच ईयर? कटरा टू दिल्ली एक्सप्रेस रोड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बता दीजिए, तीसरा का। विनोद शर्मा जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए, 2021, 2024, 2023 और 2022। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर बता दीजिए। और आज कुछ मैं यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रियों के बारे में पूछूंगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, नहीं आए तो लिख भी लीजिएगा। बाबूलाल जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बता दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? सी 2023। फोर्थ वन है, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क? तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और गुजरात। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। और सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कर दिए तो मत कीजिएगा, नहीं किए तो जरूर कर दीजिए, एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए कि दूसरे बच्चे भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम और गवर्नर का नाम बताइए। एक तो इडापड्डी के पलानी स्वामी, ठीक है बताइए, बाबूलाल का वन का थ्री है, ठीक है तानिया का टू आ रहा है, बताओ तमिलनाडु के सीएम और गवर्नर दोनों का नाम बताना। सीएम तो हो गए इडापड्डी के पलानी स्वामी, बनवारी लाल पुरोहित, बिल्कुल सही है, बनवारी लाल पुरोहित। उत्तराखंड का मालूम ही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। नहीं आता हो तो प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है, और आता हो तो रिवाइज करिएगा, देखिएगा कि मैं सही लिख रहा हूँ। बेबी रानी मौर्य, आंध्र प्रदेश का मालूम ही है, विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। और रेड्डी साहब हो गए सीएम, गुजरात का विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत, तो ये सारा याद रखिएगा। पांचवा बना, फाइंड द स्टेट विच हैज लॉन्च कर्म साथी प्रकल्प स्कीम टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स एंड सब्सिडीज टू यूथ। विनोद जय कुबेर ठीक है, तानिया का तमिलनाडु ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए बाबूलाल, विनोद जी, तानिया, फटाफट आंसर दीजिए। फाइंड द स्टेट विच हैज लॉन्च कर्म साथी प्रकल्प स्कीम टू प्रोवाइड। आज मैंने क्या बोला है कि कुछ यूरोपियन कंट्री के बारे में भी पूछूंगा, ठीक है, तो आप मेंटली रेडी रहिएगा, उसका राजधानी पूछूंगा, जैसे पहले मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पढ़ा रखा है, तो आज मैं राजधानी पूछूंगा, देखूंगा याद है कि भूल गए। किशन कुमार दास जी का ए आ रहा है, किशन जी गुड इवनिंग, और आप भी रेगुलर आया कीजिए, टाइमिंग बस याद रखिए 11:30 PM पे स्टार्ट हो जाता है, तो डेली बेसिस पे आया कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वेस्ट बंगाल। कौन है यहाँ के? जगदीप धनकर। और तमिलनाडु, कर्नाटका का नहीं बताया था, तमिलनाडु का हो गया है सीएम गवर्नर, तो कर्नाटका का कौन है? वजुभाई वल्ला और बीएस येदुरप्पा। केरला का आपको मालूम ही है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है गवर्नर, और पिन्नारई विजयन, पिन्नारई विजयन गवर्नर हो गए केरला के। सिक्स्थ बताइए, तानिया, बाबूलाल, किशन कुमार, फटाफट सारे बच्चे आंसर दीजिए, गेमी, और सभी एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और कर दिए लाइक तो कोई नहीं, तब नहीं कीजिएगा, अगर नहीं किए तो प्लीज एक बार लाइक भी कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, छठा का आंसर बता दीजिए, राउत जी का सिक्स का बी आ रहा है, ठीक है। What is the name of the video blogging contest associated with International Yoga Day that was recently announced? अच्छा ये बताइए बच्चों, आर्मेनिया का राजधानी क्या है? आर्मेनिया, आर्मेनिया ये एक लैंडलॉक कंट्री है, क्या है? लैंडलॉक कंट्री है, तो आर्मेनिया का राजधानी बताइएगा। किशन का आंसर आ रहा है बी, ठीक है, नेहा शर्मा जी का बी।
तो क्वेश्चन वो छठा का आंसर हो जाएगा माई लाइफ माई योगा। आर्मेनिया इज अ लैंडलॉक कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, और इसका राजधानी नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा येरेवन। क्या है? येरेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर एमएसएमईज। क्वेश्चन नंबर सेवन, विनोद शर्मा जी का आंसर बिल्कुल सही है। तो जो भी बच्चे हो प्लीज रेगुलर आओ, और जब भी आप जुड़ते हैं तो प्लीज सेशन को शेयर कीजिए कि जो भी दूसरा फ्रेंड है वो भी जुड़ जाए। किशन का आंसर आ रहा है ए, ठीक है, राउत जी का भी आंसर आ रहा है ए, तानिया आप बताइए, विनोद शर्मा जी आप भी बताइए। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा? चैंपियंस। बाबूलाल आप भी बताइए। विच म्यूजिक लेबल एंटर इंटू अ ग्लोबल डील विद फेसबुक टू लाइसेंस इट्स म्यूजिक। आठवां। क्वेश्चन नंबर एट्थ का आंसर बता दीजिए। शर्मा जी का भी साथ का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट्थ का आंसर बता दीजिए, मुझे कोसोवो का राजधानी बताइए, कोसोवो का कैपिटल क्या है, कोसोवो का कैपिटल बताइए। मैसिडोनिया नाम सुना होगा, मैसिडोनिया, इसका राजधानी बताइए। सब ये सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। राव जी का आठ का ए है, किशन का बी है, तानिया का ए है। तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, सारेगामा, ठीक है। कोसोवो का राजधानी किसी को नहीं मालूम है, बाबू का आंसर आ रहा आठ का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बता दी, कोसोवो का राजधानी क्या है? देखो मैसिडोनिया का तो राजधानी स्कोपजे, बिल्कुल सही है। और विनोद जी कोसोवो का क्या है? प्रिस्टीना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नाइन्थ, इंडिया है साइन, ये सारा अभी जो बता रहा हूँ सारी यूरोपियन कंट्रीज है, ये लिख भी लीजिएगा, नहीं आए ना तो प्लीज कैपिटल वगैरह लिख लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ होना, इंडिया साइन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर बता दीजिए, नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा? तो जेफ बिजोज भी आए हुए हैं क्लास लेने के लिए, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर बता दीजिए। बिजोज जी गुड इवनिंग। हाँ मैसिडोनिया का स्कोप जी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेहा का बी है, ठीक है, राउत का भी है, ठीक है। विनोद जी आप बताइए, तानिया, दसवां, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च अ डेडिकेटेड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं प्लीज पूरा सेशन कीजिए और रेगुलर आया कीजिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, बोस्निया हर्जेगोविना, इसका राजधानी क्या है? बोस्निया एंड हर्जेगोविना, इसका राजधानी बताएं। क्वेश्चन नंबर टेंथ, बोस्निया हर्जेगोविना का राजधानी बताइए। राउत का टेंथ का ए है, किशन जी आप ये क्या लिखे हैं समझ ही नहीं आ रहा है, किशन का आंसर आ रहा है ए, विनोद जी का ए, शर्मा जी का ए है, तानिया आप बताओ। क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो बोस्निया हर्जेगोविना का राजधानी भी बताना मुझे कोई, उत्तर प्रदेश का आपको मालूम ही है आनंदीबेन पटेल, राजस्थान के गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा, बिहार के फग्गू चौहान और उड़ीसा के गणेशी लाल, ये सभी कुछ लिख लीजिएगा और याद भी रखिएगा। बोस्निया हर्जेगोविना का राजधानी किसी को नहीं मालूम है, बाबूलाल का भी दस का ही है, लक्ष्मी आंसर आ रहा है ए। और जो भी आ रहे हो प्लीज पूरा सेशन करो और सेशन को लाइक भी कर देना, ठीक है। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर टेंथ, बोस्निया हर्जेगोविना का राजधानी क्या है? साराजेवो, साराजेवो। 11th वन आई, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली साइक
पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां कहां से बता दीजिए। तो जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, पूरा सेशन बनाइए, जो साथ में यूरोपियन कंट्रीज का राजधानी पूछ रहा हूँ वो सब भी लिखते जाइएगा। तानिया का यूपी था, ठीक है। क्वेश्चन 11th वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस सेक्योलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 11th, मुझे ये बताइए माल्टा का कैपिटल क्या है। माल्टा कंट्री है, इसका राजधानी बताइए माल्टा का। दीपक जी कहाँ से आ रहे हैं, ठीक दीपक जी, गुड इवनिंग। तब तो एक मैप खरीद लीजिए, घर में रखिएगा तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ अभी, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका करवाया हुआ है, उसका कंट्री कैपिटल भी करवा दिया था, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी करवाया, तो अभी मैं बस एक छोटा सा पार्ट उठाया हूँ कि यूरोपियन कंट्री के जो भी टफ कंट्रीज है जिसके राजधानी नॉर्मली नहीं याद होते तो वही मैं पूछा करता हूँ। ये मेरा कौन डीपी लगा करके मुझे ही नमस्कार कर रहे हैं और नाम भी मेरा ही रख रखे हैं। स्कूलिंग जी हेलो, तो जो भी हो प्लीज पूरा सेशन करना, ठीक है। 11th का आंसर क्या हो जाएगा, कोविड भी। ट्वेल्थ, विच स्टेट हैज टॉप द स्टेट्स फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय FSSAI। इज इट तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और केरला। क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर बता दीजिए। बारह का बी है, माल्टा का राजधानी। तानिया का बिल्कुल सही है, माल्टा का राजधानी वेलिटा है। क्या है, वेलिटा। राउत का गुजरात है, दीपक का बी है, किशन का बी है, स्कूलिंग का भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12th। और ये सब याद रखना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, FSSAI का न्यू दिल्ली। प्रभाष जी आपका ओरिजिनल नेम क्या है, आपका ओरिजिनल नेम क्या है ये बताइए पहले। अब मेरा ही डीपी लगा करके मेरे एक क्वेश्चन नंबर 12th, 12 कहां से बता दिया, आंसर क्या हो जाएगा बी, गुजरात, ठीक है। 13 बने, तो वर्ल्ड बैंक हैज गिवन रुपीज 1950 करोड़ लोन्स टू विच इंडियन स्टेट फॉर टैकलिंग कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 13th, ऐसे ही मालडोवा का राजधानी बताओ, मालडोवा, ठीक है। और इस कंट्री का भी नाम सुना होगा, मैसिडोनिया, सुना है या नहीं सुना है, नहीं मैसिडोनिया मैंने पूछ लिया। मोंटीनिग्रो का राजधानी बताओ, मोंटी निग्रो और मालडोवा, इन दोनों कंट्रियों का राजधानी भी बताना। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13th का, किशन का सी है, दीपक जी का महाराष्ट्र, विनोद का महाराष्ट्र, रावत का 13th का, ये लक्ष्मी का आंसर आ रहा है, ठीक है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब मालडोवा का राजधानी किसी को नहीं मालूम है ना, मोंटीनिग्रो का, ये सब मालूम है या नहीं मालूम है ये बता दो।
करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं जेफ बिजोस। क्वेश्चन नंबर 13 का, मालडोवा का राजधानी किसी को नहीं मालूम है क्या? भूल गए, चलिए लिख लीजिए। मालडोवा का राजधानी चिस्नो, क्या है? चिस्नो। और मोंटी निग्रो का राजधानी क्या है? पोडगोर्सिया। मैंने सारी चीजों का याद करने का तरीका बताया था, अगर आप सेशन मेरा शुरू से करते तो उसमें शुरू में जाइएगा, मैंने ट्रिक दिया था कि कैसे किसी को याद करेंगे तो याद रहे। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप याद कर रहे तो परमानेंट कैसे याद रहे, उसका मैंने एक तरीका बताया था। विच इंडियन स्टेट अप्रूव द सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नेम्ड सिल्वर लाइन? क्वेश्चन नंबर 14। तो जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। एटलीस्ट इतना कीजिए कि सेशन आते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए। स्कूलिंग जी का डी है, विनोद जी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दिया। उत्तराखंड, सिक्किम, केरला और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दीजिए। ऐसे मुझे कंट्री है प्यूटोरिको, प्यूटोरिको इसका राजधानी बताइए। प्यूटोरिको, विनोद जी का महाराष्ट्र, रावत जी का 14 का बी है। जय बिजोस, आप बताइए। दीपक जी, बाबूलाल, फटाफट नेहा, लक्ष्मी, तानिया, सारे बच्चे आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बाबूलाल का आंसर आ रहा है 14 का ए, शर्मा जी का ए है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड का दूसरा जो राजधानी है वो, आदित्य गुप्ता, गुड इवनिंग आदित्य जी, वो नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, वो अलाउ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो दूसरा राजधानी। हाँ बिल्कुल, किशन जी का आंसर गैरसन इज द राइट आंसर। ठीक है, 15 बनाइए। मैंने प्यूर्टोरिको का राजधानी पूछा था, किसी को नहीं मालूम था क्या? प्यूटो रिको इसका राजधानी आप लोगों को वाकई में नहीं मालूम है क्या? अगर बिहार में आदित्य। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दीजिए। और ऐसे ही कंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट, लिच्टेनस्टाइन, इसका राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, हरियाणा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाँ बिल्कुल, समर कैपिटल गैरसन बता रहे हैं। ठीक है, विनोद जी का 15 का आंसर आ रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हरियाणा। हरियाणा की गवर्नर का नाम क्या है? हरियाणा के गवर्नर का नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, प्यूटोरिको का राजधानी नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा सेंजुआन। ठीक है, सेंजुआन। और इसका लिच्टेनस्टाइन का वदूस, दोनों राजधानी याद कर लीजिएगा। बिल्कुल सही है, बिहार कहाँ है ये मैं आपको बताऊं। विच इंडियन अमेरिकन हैज वॉन प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज 2020? क्वेश्चन नंबर 16, सुंदर पिचाई जी, गुड नाइट। क्वेश्चन नंबर, आज तो यूनिक यूनिक नाम सब आ रहा है, सुंदर पिचाई है, जेब बिजोज है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 16 का रतन लाल। जो कंट्री कैपिटल लिख पा रहा हूं प्लीज सारे बच्चे लिख लीजिएगा। ठीक है,
आदित्य जी आप कॉमेडी करने आए हैं क्या? आपको ये नहीं मालूम है कि बिहार कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ से बता दीजिए? 17 का थंजाम धवली सिंह ऑफ मणिपुर हैज बीन कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूटेड द अवार्ड? क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ से बता दीजिए? 17 कहां से बता दीजिए? विनोद जी का जापान आ रहा है, ठीक है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं मुझे नहीं पता है। 17 का आंसर हो जाएगा बी जापान, ठीक है। सुगा जी अभी यहाँ के सुप्रीमो है, कहाँ के? जापान के। यूके का आपको मालूम ही है, बोरिस जॉनसन। सऊदी अरबिया के कौन है सुप्रीमो ये बताइए, और जर्मनी का एंजेला मर्कल। सऊदी अरबिया के कौन है अभी किंग बताइए, 18th बनाइए। 18 कहां से बता दीजिए? राव जी का मून जाए, दीपक जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 कहां से बता दिया, 18वां का फटाफट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बता दिया, 18वां का। प्रभात जी आपका एक्चुअल नाम क्या है ये बताइए पहले। आंसर कोविड का था। और मेरा फोटो डीपी क्यों लगा लिया आप? 19th बनाइए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कैंसिल लाइसेंस ऑफ द सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वेयर इज द बैंक हेडक्वार्टर एट? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कैंसिल लाइसेंस ऑफ सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वेयर इज द बैंक हेडक्वार्टर एट? क्वेश्चन नंबर 19। 19 का आंसर बता दीजिए, मुंबई स्कूलिंग का सी है, राव जी का ए है। ठीक है आदित्य, तो 19th का आंसर क्या हो जाएगा? सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमिटी पैक? क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमिटी? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दीजिए, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अनुराग ठाकुर और रमेश पोखरियाल निशान। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दीजिए। और जो भी बच्चे हैं प्लीज पूरा सेशन कीजिए और रेगुलर आया कीजिए, और सेशन को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कर दिया कीजिए कि दूसरे बच्चे भी आए। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अधीर रंजन चौधरी। अच्छा ये बताओ, कोवाड़ा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे? कोवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में बताइए? कोवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है बताओ बच्चों? कोवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? बिल गेट्स जी राम राम। बताइए कोवाड़ा का हेडक्वार्टर बताइए। क्वेश्चन नंबर वो हो गया, मगर मुझे ये बताइए कि कोवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है ये बताइए। बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन सा और है? ये तो आंध्र प्रदेश में, और कौन सा? तमिलनाडु में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बताओ? तमिलनाडु में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? आदित्य जी फिर मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, दूसरे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं ना फालतू का, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ने आए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर, तमिलनाडु में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बताओ?
तमिलनाडु में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो लिख लीजिएगा कुडनकुलम और कल्पाकम, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, रॉबर्ट बेप्टिस्ट हु हैज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए, 21 का आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। इक्कीस का आंसर बताइए। राव जी, तानिया, प्रभास जी, प्रभास जी आपका एक्चुअल नाम क्या है ये बताइए मुझे। बिल गेट्स, जेफ बिजोस, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दीजिए। बलजीत कौर का आंसर आ रहा है वायरोलॉजी। 21 का आंसर क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी रिसर्च, ठीक है। कर दिया है राव जी। क्वेश्चन नंबर 22, रीड अलोंग दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच मल्टीनेशनल कंपनी? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बता दीजिए। क्लास अभी लंबा चलेगा, 2 घंटे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बता दीजिए। 22वां का, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल और फेसबुक। रीड अलॉन्ग दैट वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच मल्टी नेशनल कंपनी? इज इट माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल और फेसबुक? बलजीत कौर जी का आ रहा है गूगल। बलजीत आप भी रेगुलर आया कीजिए, जितने भी बच्चे हैं डेली बेसिस पे याद रखिएगा, सेशन 11:30 PM पे ये स्टार्ट हो जाता है। और प्लीज पढ़ाई से रिलेटेड चीज पूछिएगा, ठीक है, जो भी पढ़ाई लिखाई का कोई बात है वो पूछिए, मतलब किसी भी फालतू बात में इन्वॉल्व मत होया कीजिए, नहीं तो फालतू में ब्लॉक करना पड़ता है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, गूगल। जो दूसरे पढ़ते हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है। 23 बनाइए, हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज फॉर फाउंडिंग इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट? क्वेश्चन नंबर 23, तानिया जी क्या हो गया? हु हैज अवॉर्डेड द फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज फॉर फाउंडिंग इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट? 23 का आंसर बता दीजिए। रजनीश जी का आंसर आ रहा है गूगल। क्वेश्चन नंबर 23 राव जी, ये तो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो गया, आंसर मालूम होना चाहिए हेनरी ड्यूनेंट। 24 बताए रजनीश जी का आंसर बिल्कुल सही है। ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच यूनियन मिनिस्ट्री? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? क्वेश्चन नंबर 24, 24 का आंसर बता दीजिए। नेट स्लो होगा इसीलिए ऐसा हो रहा होगा राव जी। क्वेश्चन नंबर 24, 24 का आंसर बता दीजिए। ये बताइए जातीय संसद ये किस कंट्री के संसद का नाम है? जातीय संसद ये किस कंट्री के संसद का नाम है? जातीय संसद। रजनीश का नेपाल आ रहा है, ठीक है, बिल गेट्स, अमेजोन। क्वेश्चन नंबर 24, 24 का आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 25 बनाइए, बिल गेट्स और ये क्या नाम है इनका, जेफ बिजोस। आप लोग क्लास करने आए हैं या मस्ती करने आ रहे हैं ये बताइए।
which state government is said to bring free ordinance for strengthening the agriculture economy of the state? Question number 25. Nitin Kumar, good evening. तो नितिन जी आप ही रेगुलर आया कीजिए। जातीय संसद आप लोगों को नहीं मालूम है कहाँ कहाँ है संसद? नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा, जातीय संसद कहाँ का है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। तेजस का 25 का बी है, ठीक है। लक्ष्मी का आंसर आ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी उड़ीसा। सीएम कौन है? नवीन पटनायक और गणेशी लाल गवर्नर हैं, ये भी याद रखिएगा। 26 बनाइए। दीपक का आंसर बी था, ठीक है। क्वेश्चन 26। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन मनमीत सिंह वालिया हु पास्ट रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? टेनिस, फुटबॉल, टेबल टेनिस और हॉकी। क्वेश्चन 26, 26 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, गुड नाइट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बता दीजिए, बताइए। ग्राम पंचायत वहां का है, ठीक है। नेपाल का याद रखिएगा, राष्ट्र पंचायत लिख लीजिएगा। नेपाल का क्या है? राष्ट्र पंचायत, ये नाम है वहां का संसद। राष्ट्र पंचायत कहां का भाई? नेपाल का। लिख लीजिए जो लिखा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी टेबल टेनिस। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे ये बताओ? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, हाँ जापान, डाइट, बिल्कुल सही है तानिया का। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन किसी ने पूछा नहीं, तानिया ने बताया है, तो अगर नहीं आता हो तो लिख लीजिए। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दीपक, बलजीत, तानिया, विनोद, नेहा, फटाफट आंसर दीजिए। विनोद शर्मा जी, रावत, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का आंसर बता दीजिए। तानिया का आ रहा है स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही है, लाउसने स्विट्जरलैंड में। फीफा का कहां पे? फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे? राव जी का भी स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही है। रजनीश, विनोद शर्मा, सारे बच्चों का आंसर सही है। फीफा का हेडक्वार्टर बताओ? फीफा ज्यूरिक, बिल्कुल सही है, ज्यूरिक। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका कहां पे? जल्दी जल्दी बताओ। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इस सबका कहां पे? तानिया, रजनीश, लक्ष्मी, दीपक, रावत, नेहा, सही बताइए। नेहा जी का लंदन है, रजनीश का लंदन है, विनोद जी का लंदन है, ठीक है, बिल्कुल सही, लंदन इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का कहां पे? लंदन में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहां पे बच्चों? लाउसने। अच्छा ये बताओ, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन कहां पे? इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, और राव जी का भी आंसर बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन कहां पे? इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। जितना नहीं आता है प्लीज लिख लेना, एक ही जगह लिख लेना कि याद रहे कि सारे स्पोर्ट्स का एक ही जगह पे हो जाए तो ज्यादा बेटर है। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन कहाँ पे? रजनीश का लाउसने आ रहा है, बिल्कुल सही है, लाउसने में ही है। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का कहाँ पे?
स्विमिंग भी लाओसे ने बिल्कुल तानिया। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का कहां पे? तानिया, रजनीश, रावत, फटाफट बताइए। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जल्दी बताओ। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जितना भी सारा मैंने एक ही जगह पे लिखवा दिया, लाओसने जितना भी है। अच्छा नोट कर रहे, कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका कहाँ पे है? वो तो अच्छी बात है, सारे बच्चों को तो मैं जान के कहता ही हूँ कि लिखते भी रहिए, क्वेश्चन जो करते हैं वो तो करते रहिए। जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ कोई टॉपिक पे, या कोई जैसे कल डिफेंस एक्सरसाइज कराया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर लिखा होगा तो पूरा याद भी किए होंगे आप लोग। ऋषि मुखर्जी हेलो, गोल्फ लाओसा ने बिल्कुल, मैंने पूछा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका बताओ। किसी को नहीं मालूम, ना तानिया को, ना रजनीश को। ऋषि जी आप बताइए, रावत जी आप बताइए, लक्ष्मी, दीपक, कोई तो बताओ। विनोद जी नहीं मालूम है तो बताओ। म्यूनिक कहाँ पे है? जर्मनी। संजीव जी का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। संजीव जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 27, तो जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। तेलिया रुमाल, हैंडलूम क्लॉथ दैट रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? 27 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, 27 का आंसर बता दीजिए। विनोद जी का जे एन के, दीपक कुमार का ए है, जसदीप का तेलंगाना, बिल्कुल सही है। तेलंगाना के सीएम का नाम बताइए, गवर्नर तो याद ही होगा, तमिले सही, सौंदरा राजन। हिमाचल प्रदेश का सीएम और गवर्नर का नाम बताइए। बताइए फटाफट। हाँ राव जी ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सीएम गवर्नर कौन है? लक्ष्मी कांत सारा सी, ठीक है। जयराम ठाकुर गवर्नर, भाई गवर्नर कौन है? दीपक कांत सारा तेलंगाना, बिल्कुल बंडारू दत्तात्रेय। विनोद जी कांत सा, बिल्कुल सही है। 28वां, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 ऑब्जर्व ऑन मे 9? अच्छा ये बताओ, रणदीप हुड्डा किसके ब्रांड एम्बेसडर है? रणदीप हुड्डा, ये क्वेश्चन ही देख के मुझे याद आया। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बता दीजिए। 28 का, 28 का आंसर बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। विनोद शर्मा जी का बिल्कुल सही, माइग्रेटरी बर्ड्स। 29, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बता दीजिए। नेटमेट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नेटमेट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका का आंसर 28 का भी। और जो भी बच्चे हो पूरा डेली बेसिस पे सेशन किया करो, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन से कभी नहीं फायदा होगा, एक तो कंसिस्टेंट करो, रेगुलर आओ, टाइमिंग याद रखो 11:30 PM। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल को, और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, कर दिए तो फिर मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, 29 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? TS त्रिमूर्ति। नेटमेट्स के ब्रांड एम्बेसडर का नाम किसी को नहीं मालूम है क्या? लक्की वर्मा जी का आंसर बिल्कुल सही, धोनी। धोनी इज द राइट आंसर, लक्की वर्मा जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द पर्सन हु हैज बिल्ट नेम फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू बी बिल्ट बाय मार्स इंजेन्यूटी बाय नासा इन नेम द रोवर कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 30, और ये कहां के पार्लियामेंट का नाम है? तोसॉक दू। तोसॉक दू ये कहां के पार्लियामेंट का नाम है? तोसॉक दू। लकी जी आप भी रेगुलर बेसिस पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बता दीजिए।
जी, लक्की, रजनीश, विनोद, ऋषि, दीपक, दीपिका, तानिया, रजनीश, सुंदर पीछे। फटाफट आंसर दीजिए। टाइमिंग बस याद रखिएगा, 11:30 बजे क्लास स्टार्ट होता है, तो डेली आ जाइए 11:30 पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऋषि मुखर्जी का आंसर बिल्कुल सही है, भूटान का है। कहाँ का पार्लियामेंट है? भूटान का। 30 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, बनीजा रूपानी। 31 इंटरनेशनल लेबर डे, ये मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई बच्चा हो जिसको ये नहीं मालूम हो। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दीपक जी सो जाइए, कोई इशू नहीं है ना, आपको नींद आ रहा है, आप जाइए सो जाइए, जिनको क्लास लेना लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेशनल लेबर डे वॉज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? बलजीत कौर का, 1 मई। ठीक है, बिल्कुल सही, 1 मई इज द राइट आंसर। विच कंट्री एफर्ट टू लॉन्च 750 किलोमीटर रेंज बाबर सेकेंड सबसोनिक मिसाइल? क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आप आसान से गेस कर सकते हैं। फेडरल असेंबली किस कंट्री का नाम है? किस कंट्री के संसद का नाम है फेडरल असेंबली, बताओ? फेडरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 32, 32 का आंसर बता दो। दीपक का बी है, संजीव जी का पाकिस्तान है, तानिया का क्या पंचलाइन मारा है आपने? 32 का आंसर बता दीजिए। 32 का आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का मालूम है संसद का नाम क्या है? ऋषि का आंसर बिल्कुल स्विट्जरलैंड। फेडरल असेंबली किसका है? स्विट्जरलैंड का। और पाकिस्तान का क्या है? नेशनल असेंबली। यहाँ का इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? KSE। ये सब याद रखिएगा। आरिफ अलवी कौन है भाई, ये बताना। 33, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वेदांता? विनोद जी का आंसर बिल्कुल सही है, लक्की ब्रह्मा का स्विट्जरलैंड आ रहा था, तेजस का 32 का बी। हु हैज बीन अपॉइंटेड, इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे ना 3 सेशन लेता हूँ, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं डेली बेसिस पे कहता हूँ कि 4 PM का स्पेशल सेशन डेली बेसिस पे करो, ठीक है? इसके लिए अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करना है, और ये भी बिल्कुल फ्री है। अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करना और डेली बेसिस पे 4 PM पे लाइव हो जाओ। अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करिए, गोल सेलेक्ट करना बैंक, ठीक है, और प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा तो आप लाइव हो जाइएगा। ये कोड यूज कीजिएगा प्रभास। तैतीस का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुनील दुग्गल। 34 है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च SS कोरोना? क्वेश्चन नंबर 34, 34 का आंसर बता दो। संजीव का ए है, ऋषि जी का 33 का ए है, विनोद शर्मा जी का 33 का सी। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 34, 34 का आंसर बता दीजिए। विनोद जी का बी आ रहा है, राव जी का बी है, संजीव जी का ए है, ऋषि आप बताओ, तानिया, फटाफट आंसर दो। संजीव, दीपक, लक्की वर्मा, बलजीत कौर, आप भी आंसर बता दीजिए। लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, दिल्ली। ठीक है, ऋषि का भी ठीक है, तेजस का भी ठीक है। 35, अ न्यू स्पीशीज ऑफ ग्रीन पिट वाइपर फाउंड इन विच स्टेट हैज बीन नेम्ड अलाजार सेलेरियम, वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हैरी पॉटर? क्वेश्चन नंबर 35, 35 का आंसर बता दीजिए। 35 का आंसर बता दो। अच्छा ये बताओ, ग्रैंड नेशनल असेंबली किस कंट्री के संसद का नाम है? ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली। ग्रैंड नेशनल असेंबली किस कंट्री का नाम है, संसद का नाम है, बताओ?
राउत का बी है, तेजस का सी है, 35 का आंसर बी होगा। ठीक है, ग्रैंड नेशनल असेंबली किस कंट्री के संसद का नाम है? टर्की का। मालूम ही है यहाँ के सुप्रीमो कौन है? एडोगन। 36 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 36, नेम द रेलवे स्टेशन विच इज फर्स्ट इन इंडियन रेलवे टू इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल्स। क्वेश्चन नंबर 36, 36 का आंसर बता दो। टर्की ऋषि का भी आंसर, विनोद जी का भी आंसर सही है, लक्की वर्मा का भी आंसर सही है। तो ये बताओ नेशनल पीपुल कांग्रेस ये किस कंट्री का है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये किस कंट्री का है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 36, 36 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बता दीजिए। थर्टी सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। चाइना, बिल्कुल सही है, चाइना का है नेशनल पीपुल कांग्रेस। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज बिकम इंडिया फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स। वेयर डज जिम कॉर्बेट? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, बहुत बच्चे तो घूमे भी होंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप में से कितने बच्चे घूमे हुए हैं उत्तराखंड? सैंतीस का आंसर बता दी। क्वेश्चन नंबर 37, तो आंसर क्या हो जाएगा 37 का? उत्तराखंड। 38 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, नेम द यूनिवर्सिटी विच हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बता दो। गुड नाइट तेजस। क्वेश्चन नंबर 38, जो भी हो बस 4 PM का सेशन आप लोग ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, इस सेशन को मिस मत किया कीजिए, डेली बेसिस पे आया कीजिए। तानिया आप आए थे आज क्या 4 PM वाले सेशन में? राव जी आज आप थे? क्वेश्चन नंबर 38, 38 का आंसर बता दो। आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। 39 बनाओ। क्वेश्चन नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना टू बेनिफिट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट। 39th। अच्छा, 8वें पे थे आज आप। जितने ही बच्चे हो 4 PM का सेशन कंपलसरी कर लो। ठीक है, ये सेशन तो करते ही हो, 4 PM स्पेशल सेशन। अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लो, गोल सेलेक्ट कर लेना, बैंक और प्रभास कुमार के नाम से सर्च करना। ठीक है, कोड पूछे कि फ्री में एक्सेस करना, तो यही डाल देना, PRABHASH। नहीं आए थे तो आया कीजिए। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द ई कॉमर्स कंपनी विच टाइज अप विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड गो डिजिटल इंश्योरेंस कंपनीज टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 40, 40 का आंसर बता दो। इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। क्वेश्चन नंबर 40, 40 का आंसर बता दी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, तानिया लास्ट में आई थी, ये तो खुद ही बोलिए नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बता दो। नेशनल असेंबली किसका है भाई? नेशनल असेंबली किसके संसद का नाम है? नेशनल असेंबली।
क्वेश्चन नंबर 40 40 का तो हो सकता है दूसरा बच्चा हो, नाम तो हो सकता है ना। आंसर हो गया फ्लिपकार्ट, फर्स्ट बनाई है। द फर्स्ट मेरिन एम्बुलेंस प्रतीक्षा वॉज एक्वायर्ड बाय विच स्टेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नहीं बात बनी, झूठा बूटा नहीं है। एक्चुअली होता है क्या ना कि एक ही नाम से बहुत सा, अभी तुम देखे नहीं हो मेरे ही नाम से एक बच्चा आ गया है, नाम तो किसी का भी हो सकता। अब देखो नेशनल असेंबली पाकिस्तान का भी है और फ्रांस का भी, ये भी याद रखना, फ्रांस का भी संसद का नाम नेशनल असेंबली ही है। जैसे अभी मैंने बताया फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड, और फेडरल पार्लियामेंट बोल देगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी केरला। आरिफ मोहम्मद खान और पिनारायी विजयन, ये सब याद रखा करो, अब बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। सीआईआई का हेड कौन है ये भी बताना। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज एस्टैब्लिश्ड न्यू फोरम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर हुज चेयरमैनशिप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दीपक का आंसर तरुण बजाज। ओके बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बता दो, सेकंड का आंसर बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का, सी संदीप पाटिल। संजीव का ये है, राउत का ये है, ठीक है। थर्ड को बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग ऐप हैज रोल्ड आउट न्यू फीचर कॉल्ड ओपन एपीआई सर्विस। थर्ड का आंसर बता दो, तीसरा का। दीपक का फर्स्ट है, ऋषि आप बताओ, तानिया, मनीषा, लक्ष्मी, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का, राउत का तीसरा का आंसर आ रहा है सी, दीपक जी का डी है। नेहा का भी सी है, बिल्कुल सही है, थर्ड का सी हो गया, आरोग्य सेतु। केविन मेयर हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। बहुत सारे बच्चों को बहुत जल्दी नींद लग जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, केविन मेयर हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच कंपनी। बुंडेस्टैग कहाँ का है, पार्लियामेंट का नाम बुंडेस्टैग। ये लोअर हाउस कहाँ का है, राउत का फोर्थ का सी है, संजीव का लिंक्डइन। फोर्थ का आंसर हो जाएगा बच्चों सी, टिकटॉक। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु पेंटेड माई लास्ट रेड। शांतनु गुहा, श्री अय्यर, प्रवीण तिवारी, वरुण चंदना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर बता दीजिए। फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आंसर क्या हो जाएगा, बी श्री अय्यर। क्राफ्ट सिलिकन हैज अनाउंस स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ बुंडेस्टैग जर्मनी का, अगर नहीं मालूम तो लिख लेना, बुंडेस्टैग बुंडस्रैट, ये जो मैंने बताया था। तो ये कहाँ का पार्लियामेंट था, जर्मनी का। वैसे अगर तुमसे कोई पूछे रशिया का पार्लियामेंट का नाम बताओ, बता सकते हो रशिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है। क्राफ्ट सिलिकन हैज अनाउंस स्ट्रेटेजिक टाई अप विद विच पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया फॉर डिजिटल लोन पेमेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राउत का सिक्स का सी आ रहा है, ठीक है।
रशिया का अब क्या है, दूमा एंड फेडरल काउंसिल, दूमा एंड फेडरल काउंसिल। अच्छा आपका नेट स्लो चल रहा, कोई बात नहीं है। वाईफाई नहीं लगवाया क्या आपने अभी, या जियो यूज कर रहे हैं आप? आंसर हो जाएगा डी, पे यू। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड हैज अपॉइंटेड होम एज एन एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7। नीसेट बिल्कुल सही है, इसराइल का, रिजी का भी फेडरल काउंसिल बिल्कुल सही है। 16 है अफगानिस्तान का, 14 है डेनमार्क का, तो ये सब सारा याद कर लेना। स्पेन का कोर्ट्स जनरल्स है, म्यांमार का पाइथू है, पाइथू अलुतू। यूएसए का कांग्रेस है। जितने इंपॉर्टेंट है कंट्री जो बार बार आते रहते न्यूज में, उन सबका नाम याद रखा करो, न्यूज पेपर में भी दिया रहता है नाम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, उर्जित पटेल, बिल्कुल अफगानिस्तान से हो रहा। विनोद जी का आंसर बिल्कुल सही है, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 8। आठवां का आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। संजीव का 8 का ये आ रहा है, ठीक है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह बिल्कुल सही है। 9th वन ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च ऑपरेशन लेजेंड, ऑपरेशन लेजेंड ये किस कंट्री का है? ये कहाँ का मुख्य अखबार है? न्यू स्टेट्समैन, न्यू स्टेट्समैन, न्यू स्टेट्समैन कहाँ का है इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है बताओ? ऋषि जी का 8 का ये आ रहा है, विनोद का 9 का ये, राउत का भी। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ आप लोग पढ़िए, फालतू चीजों पे डिस्कशन मत कीजिए, ठीक है? सब एकदम ग्रेजुएट हो, फिर इस तरह का बात सब क्यों करते हो? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस व्हिच इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एनआईएससी बेंगलोर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10th बनाइए, कल करें आप लोग जॉब ज्वाइन करेंगे, इस सबसे कोई मतलब होगा? ग्रेजुएट की तरह आप लोग बिहेव कीजिए, मैच्योर हो गए अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस व्हिच इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एनआईएससी बेंगलोर? क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए, राइडर एक्स। विनोद का आंसर सही है, ऋषि का आंसर सही है, ठीक है। संजीव का 10th का डी है। 11th वन है, हु हैज बीन अनाउंस एज द न्यू सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ नोकिया? क्वेश्चन नंबर 11th, 11th का आंसर बता दीजिए, ठाकुर जी आपको नींद आ रहा है तो सो जाइए, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर बता दीजिए, जिनको पढ़ना है उनको पढ़ने दीजिए। न्यू स्टेट्समैन कहाँ का पत्र पेपर है आप लोगों को नहीं मालूम था? ऐसे ही ला फिगारो है, लीमेंड है, ये सब कहाँ का न्यूज पेपर है? ला फिगारो, लीमेंड, ये सब किस कंट्री का न्यूज पेपर है बताओ? ला फिगारो, ली मैंड, ये सब कहाँ का न्यूज़पेपर है? इलेवेंथ का आंसर ए,
नहीं मालूम है तो लिख लेना, ला फिगारो, ली मैन, ये सब पेरिस का है, पेरिस का लिख लीजिएगा। ठीक है विनोद जी, ये पेपर के बारे में एग्जाम में पूछा गया, एजबेस्टिया, ये कहाँ का न्यूज पेपर है, एजबेस्टिया। जैसे अल जजीरा सब सुनते होंगे, तो ये तो मालूम होना चाहिए ना कि ये किस कहाँ का कंट्री का न्यूज चैनल है, न्यूज पेपर है। अल जजीरा के बारे में सुने होंगे, कहाँ का है बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता दो। बारह का आंसर क्या हो जाएगा, सी पंजाब। एजबेस्टिया रशिया का है, फ्रांस का नहीं है, यहीं का है, प्रावड़ा भी है, एक और प्रमुख न्यूज़पेपर है यहाँ का प्रावड़ा। इस्लामिक कंट्री तो नाम से ही पता चला, कतर लिख लीजिएगा। अल जजीरा कहाँ का है, कतर, शेख हमीद इसके फाउंडर थे। ठीक है, 1996 में इसको लॉन्च किया गया था, 1996 में। ठीक है, जो जो लिखवा रहा हूं प्लीज ये सबको लिख लेना। ये बताओ रेड फ्लैग कहाँ का है, रेड फ्लैग, ये गेस भी कर सकते हो, रेड फ्लैग अगर थोड़ा भी सेंस लगाओ तो आ जाएगा। बताइए ऋषि, संजीव, विनोद, रावत, बताइए। ऋषि का आंसर रशिया, ठीक है, विनोद जी का चाइना, नेहा जी का भी चाइना, बिल्कुल सही, चाइना। रेड फ्लैग कहाँ का है, चाइना न्यूज़पेपर है। 13 बना हुआ है, वॉन द वेमेंस सिंगल टाइटल एट दुबई चैंपियनशिप, क्वेश्चन नंबर 13। संजीव का भी ठीक है, तब चाइना। हुएज वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट दुबई चैंपियनशिप, क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आंसर बता दो, 13 का आंसर बता दो, किसको सेशन खराब लग गया जो डिसलाइक कर दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, हुएज वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट दुबई चैंपियनशिप, क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आंसर बता दीजिए। हाँ चाइना अकॉर्डिंग टू फ्लैग, तेरह का आंसर क्या हो जाएगा, नोवाक डचकोविक। 14 पर एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज अवेयरनेस मार्केटिंग फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। देखो यूके का सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है, जैसे देखते हो गए यूके का, यूएसए का, यही दो कंट्री है जिसका न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। जैसे न्यूयॉर्क यूएसए का सुनते हो, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, डेली न्यूज, और लंदन का तो इतना न्यूज़पेपर है फेमस जो कुछ कहने का नहीं। गार्जियन सुनते हो, डेली मिरर सुनते हो, डेली मेल सुनते हो, ठीक है, न्यू स्टेट्समैन, द सन, ये सब सारा वहीं का है। डेली टेलीग्राफ, फाइनेंशियल टाइम्स, ये सब कहाँ का, लंदन का प्रमुख न्यूज़पेपर सब है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर बता दो, आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली, लिख लेना जो सब लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। श्रीलंका का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दीजिए, 15 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 15, 15 का आंसर बता दीजिएगा। थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, हाँ नोवाक डचकोविक, सर्बिया। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी इंडोनेशिया। 16 ट्राइपॉड इन कोलैबोरेशन विद डैश WHO ऑर्गेनाइज वेबिनार फॉर प्रमोशन ऑफ डिजिटल कैंपेन फॉर SHG टू इंश्योर ट्राइबल गैदरिंग कैरी ऑन देयर वर्क सेफ, क्वेश्चन नंबर 16।
श्रीलंका का कौन सा है द आइलैंड न्यूज़पेपर है, वहां का सबसे फेमस द आइलैंड। ठीक है, ऐसे ही अलहराम ये कहाँ का है बताओ, अलहराम कहाँ का न्यूज़पेपर है। 16th का यूनिसेफ बता रहे, रावत विनोद का बी है, दीपक का टू है, लक्ष्मी का बी है, हाँ डॉन है, पाकिस्तान का डॉन ही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16th का आंसर क्या हो जाएगा, बी यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। ठीक है, 17 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी लोकेटेड, जो इम्पोर्टेंट है वो सब याद रखो बस, जैसे बाउंड्री लाइन है, पंच लाइन है, टैग लाइन है, ठीक है, किस कंट्री का कौन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। वैसे मैंने सिलेबस लिखा है तो टोटल 17 टॉपिक है, उसको अगर रट गए तो समझो कि करंट अफेयर में मेरा पार है। कुछ स्टैटिक है उसी हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो न्यूज वगैरह में आते रहते हैं, तो उसको भी लेकर के पूछता है न्यूज पेपर में। आपको बाउंड्री लाइन हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है, तो बाउंड्री लाइन वगैरह न्यूज में रहता ही, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी जयपुर। अठारह इंडिया हैज टाइटेंड द कर्व्स ऑन इंपोर्ट ऑफ विच रिफाइंड ऑयल बाय पुटिंग मोर कंडीशन। प्रियंका चौधरी जी गुड इवनिंग। अठारह इंडिया टाइटेंड द कर्व्स ऑन इंपोर्ट ऑफ विच रिफाइंड ऑयल बाय पुटिंग मोर कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 का आंसर बता दीजिएगा। बहुत पहले ही लिखा दिया था मैंने, सारे टोटल 17 टॉपिक, अभी मैं लिख देता हूँ, लिखना है तो बताओ, मैं सारे 17 टॉपिक बता देता हूँ, वो 17 टॉपिक आपको याद करने हैं। वैसे ऑल टुगेदर बोलेगा तो टोटल हो जाता है बहुत सारा, मगर वो 17 टॉपिक करंट अफेयर का, फिर कुछ है स्टैटिस्टिक्स के, तो ऑल टुगेदर ये जितने भी टॉपिक है वो याद कर लेना। हिंडनबर्ग लाइन, जर्मनी, पोलैंड, ये सब याद रखना। ठीक है, 18 का आंसर क्या है, ये सब मैंने लिखवाया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, पाम ऑयल। लिखना है क्या तो बोलिए, मैं लिखवा दूंगा। 19th, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैंपल्स। क्वेश्चन नंबर 19th का आंसर बता दीजिए। प्रियंका का 18 का बी है, ठीक है। Which state has become the first state to start pool testing of COVID-19? Question number 19th. राउत का भी है, दीपक जी का टू है, संजीव का भी आ रहा है, प्रियंका, ऋषि आप लोग भी आंसर दीजिए। 19th का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। सारे बच्चों को लिखना है तो बताओ, मैं पूरा लिख दूंगा सारा टॉपिक की, उतना कर लो, ठीक है, और लिंक वगैरह भी मिल जाता है वहीं पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजिंग ब्रेक द कोरोना चेन सोशल अवेयरनेस कैंपेन। कुछ सोचो ना, कौन कौन सा आ सकता है, योजना स्कीम आएगा ही आएगा, इसमें क्या पूछ सकता है। एक तो एब्रिविएशन, कहाँ पे लॉन्च हुआ, कौन सा मंत्रालय ने किया, और अमाउंट, ये चार क्वेश्चन हो सकते हैं इससे ज्यादा से ज्यादा। ऐसी है माओ और एग्रीमेंट का क्वेश्चन, तो इसमें होगा नंबर ऑफ माओ कितने हुए, किस कंट्री के बीच में हुआ, प्रोजेक्ट कौन सा था जिसपे साइन हुआ, तो ये सब पूछता है। ठीक है, ऐसे ही सबमिट का क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ऐसे ही आपको आएगा अवार्ड का,
ठीक है। सारा टॉपिक दे ही दूंगा, मेरा काम ही क्या, यही करना ही है। उसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइज हो गया, उसके अलावा स्पेस एंड सैटेलाइट, डेथ एंड ऑबिचुरीज, अपॉइंटमेंट, ठीक है, बुक एंड ऑथर, ऐप और स्कीम, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है, अगर कर लोगे तो समझ लो कि बेड़ा पार है। स्पोर्ट्स, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11, ये टॉपिक हो गए, ठीक है। उसके अलावा कुछ और है? पीडीएफ अगर चाहिए संदीप जी, तो आप लोग क्या करें कि सबसे पहला काम करिए, हाँ मालूम है बैंकिंग फाइनेंशियल से ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत बच्चे तो ऑब्वियसली क्या करते हैं ना, चैप्टर में घुस जाते हैं, चैप्टर पढ़ना नहीं चाहिए वैसे। आपको आज के डेट में जो भी करंट चल रहा है वो पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फीस का आंसर क्या हो जाएगा? बी, इफको। जैसे मान के चलो आरबीआई है, तो आरबीआई कोई कमिटी लॉन्च किया वो बोलो, आरबीआई कोई बैंक पे एक्शन लिया है केवाईसी को लेकर के, या कुछ और लिया, रिस्ट्रिक्शन किया है, तो वो आपको याद करना है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब अगर सोचोगे ना, तो जैसे देखो इंडेक्स रिपोर्ट, ये हुआ इंडेक्स रिपोर्ट, हो गया एक तरह का फाइनेंशियल अवेयरनेस। दूसरा रैंक एंड रैंकिंग, सब जो पढ़ते हो, ठीक है। आरबीआई से रिलेटेड, किस पे आरबीआई, किस पे पेनल्टी लगाया है, आरबीआई ने क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, आरबीआई के क्या नॉर्म्स बने हैं, आरबीआई ने कौन सा न्यू टर्म्स लॉन्च किया है, आरबीआई का पोर्टफोलियोस क्या हो गया है, आरबीआई के अंदर कितने सब्सिडरीज हैं, आरबीआई से रिलेटेड गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, सारे बैंकों के प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, ये सब सारा याद करना है, ठीक है। अगर ये सब सारा कर देते हो, प्लस मर्जर एक्विजिशन होता है तो वो याद रखो, प्लस बैंक लोन देता है, ठीक है। ये सब टिपिकल फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन हुए कि कितना में मर्ज हुआ, कितना में एक्विजिशन हुआ, कौन एक्वायर किया, ठीक है, उसके सीईओ कौन है कंपनीज के, पीएसयू का कौन सा नॉर्म्स है, जैसे नवरत्ना कंपनी कौन है, महारत्ना कंपनी कौन है, क्या कैटेगरी है, क्या क्राइटेरिया है। तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ 25,000 करोड़ लगातार 3 ईयर हो तो महारत्ना कंपनी होगा, इस तरह से कैटेगरी वाइज ये सब आपको याद करना होता है, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा किसका? जेएनके, 22वां बनाइए। दीपक जी मैं कंप्यूटर थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैं बता सकता हूँ, आप अनएकेडमी पे ही चले जाइएगा, अभिषेक सचान के नाम से सर्च कीजिएगा ना, तो आपको मिल जाएगा कंप्यूटर का, उस पे पूरा नोट्स होगा, मिलेगा वो सारा, वहीं पे पढ़ाए हुए हैं, तो वो देखिएगा, सर्च कीजिएगा, नेट पे देखिएगा, तब भी मिल जाएगा अभिषेक सचान, तो आपको मिल जाएगा, अनएकेडमी पे पूरा पढ़ा रखे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया हैज रिसीव रुपीज 1.7 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को कवर ऑल्स डोनेटेड बाय विच कंट्री? क्वेश्चन नंबर 22, प्रियंका का 22 का सी है, संजीव का जापान है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा सारे बच्चे बताइए। एक्चुअल में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है ना, वही सबसे टफ है, सबसे ज्यादा जो टफ होता है यही होता है। जैसे रेटिंग एजेंसी ने कितना जीडीपी के बारे में प्रोडिक्शन किया है, ये क्वेश्चन खूब चेंज होता है, और इसी में बच्चे मतलब आज ही तुम चेंज पढ़े हो, और हो सकता है कि कल कुछ और रेटिंग आ गया, हर 3 मंथ पे, हर क्वार्टरली पे, हर कोई बजट पे कुछ ना कुछ चेंज होता है, और जीडीपी के बारे में नॉर्मली कौन करता है पब्लिश, तो ये इन पे नजर रखना, आरबीआई पे, मूडीज पे, फिच पे, ये सब रेटिंग एजेंसीज हैं, केयर पे, क्राइसिल पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ एजेंसी है, फिक्की, सीआईआई, एसओचैम, ये सब भी आपको रिपोर्ट देता रहता है गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम कि
इसका क्या हो सकता है जीडीपी। तो ये रेटिंग एजेंसी का एक टिपिकल क्वेश्चन है, हर साल आएगा। इंडेक्स रिपोर्ट, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है, करप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन है, कौन पब्लिश करता है, ठीक है, ये टिपिकल हो गया। अब जैसे ये सबसे टफ टॉपिक है लोन, भाई वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, किस राज्य सरकार को दिया, किस प्रोजेक्ट पे दिया, कितना अमाउंट दिया, तो ये तीन हो गए। साथ के साथ आपको वर्ल्ड बैंक का मालूम होना चाहिए कि हेड कौन है, तो डेविड मालपास है, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाता है, बात समझ रहे हो मैं क्या करो। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का नोट्स बना लेना और उसको अपडेट करना, दोनों में अंतर है। आज आपने पढ़ा, कल चेंज हो गया, तो वो आपके लिए डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि पुराना डेटा भी ऑप्शन में अवेलेबल होता है, तो अगर वो पढ़ेंगे तो आपके लिए मतलब एक तरह का कैटेस्ट्रॉफी हो जाएगा, आपके लिए कुछ फायदा नहीं हुआ उससे। तो आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप लोग के घर पे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बताइए, पहले ईमानदारी से बताइएगा कौन सा न्यूज़पेपर आप लोग लेते हैं, जितने बच्चे बताइएगा, संतोष सिंह गुड इवनिंग, कौन सा न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं ये बताइए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेज कौन सा होता है, करंट अफेयर के सेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है वो, उसका नाम बताइए, उसी से पता चल जाएगा आप लोग कितना सेंसिबल पढ़ते हैं। संजीव जी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, राहुल जी द हिंदू, ठीक है, और बाकी बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 23rd का एडिटोरियल। तो देखिए एडिटोरियल आपके लिए क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23rd का आंसर क्या हो जाएगा, बी मध्य प्रदेश। दीपक जी एडिटोरियल से आपको ये होगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन बना पाएंगे, वो भी खास करके बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जो इकोनॉमिकल रिलेटेड इश्यूज देखते हैं, ठीक है, तो वो चीज पढ़ा कीजिए। जैसे लैंड बिल है तो घूम फिर करके वो कहीं ना कहीं से इकोनॉमिकल नहीं हो गया, जीडीपी के बारे में दे रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से इकोनॉमिकल है, तो उस तरह के एडिटोरियल आप पढ़िए, तो उससे बस होगा। मगर आपके लिए जो करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज पेज है वो है बिजनेस एंड इकोनॉमी पेज, इसको इस तरह से पढ़िए, इसी से आप समझिए, मतलब अगर आपके जितने भी करंट अफेयर हैं उसके 60% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बिजनेस एंड इकोनॉमी पेज से, अगर इस बैंक में खासकर मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस पेज को रेगुलरली सिंसियरली पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे। उसका लॉजिक है क्यों, देखो जितना भी बिजनेस एंड इकोनॉमी पेज है यहीं पे मर्जर एक्विजिशन का बात होगा, यहीं पे योजना के बारे में बात होगा, यहीं पे किसी का अपॉइंटमेंट होगा बड़े बड़े, ठीक है, कि आरबीआई का गवर्नर कौन बन रहा है, सेंट्रल सीबीआई का कौन है, सीबीसी का कौन है, कैग का कौन है, उसके अलावा यहीं पे आपको पता चलेगा इंडेक्स रिपोर्ट, इंडिया का रैंक क्या आ रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, तो इसको थोड़ा सिंसियरली पढ़ा कीजिए, ठीक है। और पढ़ते हैं तो दो ही न्यूज़पेपर पढ़िए, बाकी आप लोग का अपना मन है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इस दोनों के अलावा अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो बेसिकली पेज ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी उतना नहीं होता है। विद द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, क्वेश्चन नंबर 24th, 24 का आंसर बता दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 24th, हु इज ऑथर ऑफ द बुक आर्ट ऑफ हर डील, संजीव जी का 24 का बी है, प्रियंका का 24 का बी है, 24 का आंसर हो जाएगा मैरी जॉर्डन। कहाँ से आप लोग आंसर दे देते हैं, क्वेश्चन 25, बुक एंड ऑथर मैंने पूरा पढ़ा रखा, फिर आप लोग का गलती अपनी होना चाहिए, लिंक में जाओगे मिल जाएगा सारा, नहीं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम 4 PM का स्पेशल सेशन करो, वहां पे एक ही मंथ में 6 बार रिवाइज हो जाएगा, लास्ट 6 मंथ का, टॉपिक वाइज भी मंथली भी, तो ये शो करते नहीं हो तुम लोग, 4 PM का स्पेशल सेशन पता नहीं क्यों नहीं करते हो। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना, बस गोल सेलेक्ट कर लेना, बैंक और प्रभास कुमार के नाम से सर्च करना तो लाइव हो जाओगे, कोड पूछता है फ्री क्लास एक्सेस करने के लिए, तो मेरा नाम यूज कर देना, PRABHASH, उस कोड में डाल देना ये कोड, उससे आप फ्री में क्लास कर पाओगे, जो आप लोगों को करना है, नहीं सबके पास अपना अपना एक्सक्यूज है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हिंदुस्तान यूनिलिवर, 26 बनाए, नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 11, विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, इंटेक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इंटेक्स का ब्रांड एम्बेसडर नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 11, विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग,
26 का राउत का ये है, प्रियंका का ये है, क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो जाएगा सी, कस्तूरबा गांधी। इंटेक्स का माधुरी दीक्षित है, बिल्कुल सही तानिया का। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च अ ट्विटर कैंपेन अर्जिंग बैंक कस्टमर्स टू अडॉप्ट डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट। हु इज द फेस ऑफ दिस कैंपेन? ये तो मुझे लगता है ऐसे ही बता दूं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बता दो। राउत का सी है। संतोष सिंह आप भी रेगुलर आया कीजिए, ठीक है। टाइमिंग याद रखिए, ये सेशन 11:30 बजे रात में ही शुरू होता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 PM का स्पेशल सेशन भी देखा कीजिए, ये अन अकेडमी ऐप पे होता है, बिल्कुल फ्री है। बस इसके लिए अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लेना है, गोल सेलेक्ट करना है, बैंक और प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा। उसके अलावा एक सेशन लेता हूँ 7:30 PM पे, कौन से चैनल पे? Knowledge 365 पे, तो इसको भी अटेंड किया कीजिए। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी वगैरह का भी क्लासेस मैंने पढ़ा रखा, तो वो भी हो जाएगा। 28, विच कंट्री लॉन्ग टाइम ओपेक गवर्नर हुसैन कजमपुर ऑफ दिल्ली पास्ट अवे रिसेंटली? क्वेश्चन नंबर 28, 28 का आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 28, 28 का आंसर बता दीजिए। राउत का 28 का आंसर आ रहा है सी, दीपक का डी। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे ये बताओ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर याद रखना ईरान। और इसका करेंसी क्या है, जो नया करेंसी बना है वो उसका नाम बताओ, ईरान की करेंसी का नाम बताओ। तानिया का बी है, विनोद जी का बी है। 28 का आंसर हो जाएगा सी, प्रियंका का सी है, मराव का ऑस्ट्रिया, संजीव का जेनेवा। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? ऑस्ट्रिया, वियना, ठीक है। राउत का आंसर बिल्कुल सही है, करेंसी का नाम है तुमान। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर विद विच स्टार्टअप टू बिल्ड इट्स ओन टेक प्लेटफॉर्म? क्वेश्चन नंबर 29, 29। विनोद शर्मा जी का भी ठीक है। तोमर नहीं, तोमान लगा देना, ठीक है। तोमर तो टाइटल हो गया। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर विद विच स्टार्टअप टू बिल्ड इट्स ओन टेक प्लेटफॉर्म? 29 का आंसर बता दीजिए। प्रियंका का ये आ रहा है, ठीक है। 29 का आंसर सही है, डॉट पे। 30 बनाओ। विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो KYC? दीपक, विनोद, ऋषि, संजीव, तानिया, फटाफट आंसर दीजिए। प्रियंका, विनोद शर्मा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बता दो। 30 का संजीव का, 30 का कोटक है। तो 30 का आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा, ठीक है। ऋषि जी का भी नेट बहुत स्लो है लगता है, तो ये लास्ट सेट है, ठीक है। थक तो नहीं गए आप लोग? थक गए हैं तो बताइए। विच स्टेट हैज टॉप द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020?
पहला का आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी गुजरात। ठीक है, कौन है यहाँ के सीएम भाई साहब? तो विजय रूपानी जी। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा ये बताओ, आप लोग कौन कौन से राज्य से, एक बार कमेंट करके बताइए। जो जो बच्चे जिस जिस राज्य से, थोड़ा बताइए कौन किस किस राज्य से है। इस क्लास में अभी जितने भी बच्चे हैं लाइव हैं, बताइए। और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार कर दिया तो मत कीजिएगा। संतोष सिंह का भी आंसर आ रहा है, गुजरात। बिल्कुल सही है। दीपक जी बिहार पटना से, संजीव जी चंडीगढ़ से, राव जी हैं फ्रॉम उड़ीसा। बाकी बच्चे कहाँ पे बताइए। अब इसमें कौन सा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन मैंने पूछा? Which life insurance company has launched a real-time virtual assistance called a Smart Assist? Question number second. विनोद शर्मा आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में कहाँ से हैं विनोद जी? आप जॉब करते हैं क्या? लक्ष्मी झारखंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड। Which life insurance company has launched real time virtual assistance called a smart assist? Question was second, कहां से बता दीजिए। प्रियंका चौधरी जी राजस्थान जयपुर। ठीक है, बहुत अच्छा। सेकंड कहां से बता दीजिए अब। अच्छा कुल्लू मनाली। क्वेश्चन नंबर सेकंड। विनोद जी आप जॉब करते हैं क्या? आप वहीं का बसिंदा हैं या मतलब वहां पे शिफ्ट हुए हैं जॉब वॉब के चक्कर में? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, बजाज एलियांज। होगा तो नेक्स्ट मंथ में आऊंगा अभी कुल्लू। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड? क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाइए। हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड? थर्ड का आंसर हो जाएगा बिना तौन से। ठीक है, फोर्थ बनाइए। क्वेश्चन स्टडी मित्रा जी का आंसर है डी। स्टडी मित्रा जी गुड इवनिंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर विच कॉन्टिनेंट फ्री ऑफ पोलियो वायरस? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? बी अफ्रीका। फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और एक मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, फिर आ रहा हूं मैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बता दीजिए। ठीक तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यूनिसेफ इंडिया इज पार्टनर विथ विच अमंग द फॉलोइंग टू ऑफर कैरियर काउंसलिंग टू यंग पीपल इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बता दीजिए। विप्रो, सैप इंडिया, इंफोसिस और फिक्की। क्वेश्चन नंबर सिक्स। रावत जी का बी है, बाकी स्किप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बी ही होगा। सातवां बने, हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ बोटल मिनरल ड्रिंकिंग वाटर प्लान अंडर द ब्रांड नेम। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा? डी, हरियाणा फ्रेश। आठवां नो। क्वेश्चन नंबर एट। सीबीएसई इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स फॉर क्लास 11th एंड 12th इन द करंट एकेडमिक ईयर। आठवां का आंसर बता दीजिए। प्रियंका का साथ का डी था। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बता दो आप। तो राउत का आठ का डी है, विनोद जी का डी है, प्रियंका का आठ का डी है। क्वेश्चन एट का आंसर हो जाएगा CIBM। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन चूजन एज द एम्बेसडर ऑफ द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। कंगना रनावत, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर बता दीजिए। लक्ष्मी का आंसर डी है, राउत का नाइन्थ का सी है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर बता दीजिए। प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल सही है, संजीव का, संतोष का बी है, दीपक कुमार का सी है, लक्ष्मी का डी है, संजीव जी का ए है। क्वेश्चन नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा? प्रियंका चोपड़ा। नेम द एक्टर हु विल रिसीव ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड ड्यूरिंग 2020 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर बता दो। दस का आंसर बता दी। क्वेश्चन नंबर टेंथ का। क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैट विंसलेट। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। ग्यारहवां का आंसर बता दीजिए। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट FD? UBI, कैनरा, BOM, SBI। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ का आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये टिपिकल फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन हुआ, समझ में आया? ये फाइनेंशियल अवेयरनेस जिस तरह के एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं,
राउत का 11th का सी है, बिल्कुल सही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 12वां बनाओ, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। नरेंद्र मोदी, हरसिमरत कौर बादल, अमित शाह, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर बता दीजिए। राउत का 12 का बी, संजय का बी, दीपक का बी, लक्ष्मी का सी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? हरसिमरत कौर बादल। Who has won the Winter Bliss Cup 2020? Question number 13. 13 का आंसर बता दीजिए सारे बच्चे। अच्छा, ये न्यूज़पेपर कहाँ का है? स्टार। स्टार के बारे में कुछ आइडिया है? प्रियंका, लक्ष्मी, दीपक, संजीव, राहत, नेहा, मुखर्जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 का आंसर बता दो। आंसर लिखना बी। स्टार कहाँ का न्यूज़पेपर है? व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर बता दो। ये तो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो गया। 14 का आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 14। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 24 अप्रैल। 15, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट विथ एन इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्स? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दीजिए। 15, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रह का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रह का डी आ रहा है। अच्छा, आप लोग को चैप्टर भी पढ़ना है क्या? बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर पढ़ना है तो बताओ। 15 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 16, यस और नो बताओ। टॉपिक वाइज आपको चैप्टर पढ़ना है, उसे वैसे मैंने पढ़ा दिया, अगर बोलोगे तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा। टॉपिक वाइज स्टैटिक पढ़ना है वो भी बोल दो। 15 क्वेश्चन और रह गए दीपक जी, तो जितने देर में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16, वोडाफोन आइडिया हैज टाइड अप विथ विच कंपनी टू लॉन्च रिचार्ज साथी? क्वेश्चन नंबर 16, तो टाइम बताओ, इसी टाइम पे पढ़ोगे? एलन का आंसर पेटीएम। एलन जी आज आप बहुत लेट हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पेटीएम। 17 बताओ, यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैज इंट्रोड्यूस एआई बूट कॉल्ड क्लारा अलोंग विद विच कंपनी? चैप्टर पढ़ना है या स्टैटिक टॉपिक वाइज पढ़ना है या चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ना है? सारे बच्चे करोगे क्लास? टाइम पे मन आना है 11:30 बजे तो मैं पढ़ा दूंगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, माइक्रोसॉफ्ट। 1 रुपया, कोई चीज का दाम 1 रुपया है, ऐसा हो सकता है कि वो चीज 10,000 में बिकना शुरू हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है?
इन्फ्लेशन का एक टॉपिक पूछ रहा हूँ कि मान के चलो किसी वस्तु का प्राइस है 1 रुपया, आज 1 रुपये में कल अचानक 10,000 में हो गया, क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन नंबर 18 था, 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी न्यू दिल्ली। मैंने बोला किसी वस्तु का प्राइस है 1 रुपया, अचानक हो गया 10,000, इस सिचुएशन का नाम क्या है ये पहले बता दो, और क्या ये पॉसिबल है तो बताओ क्यों पॉसिबल है। राहुल जी बता रहे हैं हाँ पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, इसको क्या कहते हैं? एक दिन में ऐसा हो सकता है क्या? मैंने बोला कि डे वन पे आज आप गए तो वो सब्जी 10 रुपए का था, और कल गए तो वो बोल रहा है 10,000 का, ऐसा हो सकता है क्या? इन्फ्लेशन तो चैप्टर, इसको क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन ये किसी भी कंट्री को बर्बाद कर देता है। दुनिया में सबसे पहला हाइपर इन्फ्लेशन यूएसए ने झेला था, ठीक है, 1929 तक है, उनके यहाँ जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उस समय हुआ था। तो ये हो सकता है, तो हो सकता है ये तो मान लिया मैंने, मग क्या ऐसा रीजन होगा जो ऐसा हो जाएगा? डिमांड मोट नहीं हो सकता है, मतलब ये नॉर्मल चीज नहीं है, ऐसा क्या अर्जेंसी हो गया जो एक दिन में इतना? दो तो तीन रीजन हो जाते हैं, कोई भी रीजन बताओ आप लोग। 19th हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है, तो फिर मैं इन्फ्लेशन ही चैप्टर पढ़ा दूंगा। 19th का आंसर हो जाएगा बी, राजा लक्ष्मी देव। अशोक चटर्जी हु पास्ट रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। अच्छा ये बताओ, बैंक जब लोन देता है, बैंक जब लोन देता है तो कस्टमर को ज्यादा फायदा, जैसे कोई प्रॉपर्टी लोन दिया, कोई लैंड आपने खरीदा, तो किसको ज्यादा फायदा होगा? लोन आपने दिया कस्टमर को, तो बैंक ने लोन दिया है, तो किसको ज्यादा फायदा है, कस्टमर को या जो लोन दे रहा है उसको, बैंक को? 20 का आंसर सी आ रहा है, संजीव का फुटबॉल है, प्रियंका का 20 का बी है, 20 का आंसर हो जाएगा फुटबॉल। इक्कीस बताओ, क्वेश्चन 21। देखो बैंक से जब लोन लेने जाते हो तो मान के चलो कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदा है आज के डेट में, तो आपने लोन लिया, तो ये किसको फायदा होगा? इन्फ्लेशन अगर हो रहा है, बढ़ रहा है, किसको फायदा हो रहा है? बैंक को ज्यादा हो रहा है या मान के चलो जो लोन लिया है उसको ज्यादा फायदा हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। नॉर्मल सब्सटेंस थे जो भी होता है, तो आप लोन देते हैं कि हाँ प्रॉपर्टी लोन ले रखा है, तो बैंक को ज्यादा फायदा होता है या कस्टमर जो लोन ले रखा है उसको ज्यादा फायदा होता है? क्वेश्चन नंबर 21, 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी तेलंगाना, हमेशा कस्टमर को होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बोला इन नॉर्मल सबका हमेशा कस्टमर को ही फायदा होगा, आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 22वां, 3 डे मेगा एग्रीकल्चर फेस्टिवल कॉल कृषि महाकुंभ वाज ऑर्गेनाइज बाय विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर 22। विनोद शर्मा जी का किसका सी है? क्वेश्चन 22।
अ 3 डे मेगा एग्रीकल्चर फेस्टिवल कॉल कृषि महाकुंभ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट? प्रियंका जी गुड नाइट। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी छत्तीसगढ़। ठीक है, जाना वस्ती देवना स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? एलएन का आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? और आज जो भी मैंने टॉपिक करवाया है यूरोपियन कंट्री के कैपिटल, तो वो सब याद रखना। ठीक है, कि मैंने आपको न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ाया है, लगभग लगभग सारे कंट्री के बारे में, संसद के बारे में पढ़ाया है कि नाम क्या है, तो तीनों टॉपिक प्लीज कर लेना और याद रखना। लक्ष्मी का 24 का बी आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन 24 का बता दो। 24 का विनोद जी का त्रिपुरा है। ठीक है, शर्मा जी का डी है। राव जी लक्ष्मी बताओ, प्रियंका, संजीव, थानिया, सारे आंसर दो। एलन, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को कर देना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी त्रिपुरा। चंपक लाल जी अभी डेली बेसिस पे आया करिए। अभी उसके भरोसे मत बैठिए। ठीक है चंपक लाल जी, अभी जो हो रहा है बस वो करिए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी थर्मल कोल। Google has partnered with which digital wallet company to introduce mobile recharge search in India? Question 36। आज जो जो टॉपिक करा है, देखो जितने भी कंट्री के संसद के नाम है इम्पोर्टेंट वो करवा दिया है, न्यूज़पेपर जितने भी कंट्री के फेमस है वो करवाया है, जैसे मैंने बताया प्रावडा, बिस्टिया, लीमैन, ली फिगारो, फिगारो डॉन, ये सब जितने भी न्यूज़पेपर है, तो वो सब आप याद कर लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको यूरोपियन कंट्रियों के कैपिटल बताए, तो ये तीनों ही टॉपिक कर लीजिए जो लिखवाया है। अच्छा, क्वेश्चन 26, 26 तो आंसर हो जाएगा मोबी क्विक। विच फुटबॉल क्लब हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्लब टू प्ले इन एएफसी चैंपियंस लीग? क्वेश्चन 27 का आंसर बता दो। जब भी आएगा, अभी बजट के बाद ही आना है, अभी नहीं आना है। Which football club has become the first Indian club to play in AFC Champions League? Question number 27 का आंसर बता दो। 27 का आंसर बता दी। Question number 27 गोवा हो जाएगा। ठीक है, एफसी गोवा। 28 वन ऑफ हु नेम्ड ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019? Question number 28 लक्ष्मी का बी है, दीपक का ए है, संजीव का गोवा। डेली बेसिस पे ये सेशन 11:30 PM पे होता है, तो जो भी न्यू हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, इस पे मैंने करवा के रखा है, टॉपिक वाइज स्टैटिक हो रखा है, वो आप देख सकते हैं।
ठीक है। उसके अलावा टॉपिक वाइज चैप्टर भी मैंने करवा दिए, तो ये देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर बहुत सारे मंथों का हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ टॉपिक करंट अफेयर के भी मैंने करवा रखे हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मिलेगा। प्लस 4 PM का स्पेशल सेशन भी जरूर देखा कीजिए, ये डेली बेसिस पे 4 PM पे ही होता है। इसके लिए बस आपको अन अकेडमी, ये तो यूट्यूब चैनल हो गया, ये अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करेंगे और लाइव हो जाएंगे, ये भी फ्री होता है। अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करके गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक और प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा। कोड पूछता है कि फ्री कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये कोड डाल दीजिए जिसमें आप फ्री में कोर्स कर पाएंगे। ठीक है, ये अगर कर लोगे तो आप फ्री में क्लास, तो 4 PM का सेशन जरूर करो। और एक सेशन होता है 7:30 PM पे, ये कौन से चैनल पे, नॉलेज 365। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ा रखा है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए किरण मजुमदार, ये किस कंपनी के मालिक है, तो बाइकॉन इंडिया लिमिटेड की मालिक है ये सब याद रखना। 29 वन, विच टाउन हैज बिकम द फर्स्ट जीरो वेस्ट टाउन ऑफ असम, विच टाउन हैज बिकम द फर्स्ट जीरो वेस्ट टाउन ऑफ असम, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन नंबर 29। और प्लीज आप लोग शेयर किया कीजिए, दूसरे बच्चे भी जुड़े, ठीक है। और जो डेली बेसिस में आप लोगों को करंट अफेयर तो करा ही रहा हूँ 100-150, उसके अलावा जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको लिख के याद किया कीजिएगा, फायदा तभी होगा। रावत, विनोद, संजीव, प्रियंका, एलन, सभी आंसर बताइए। चंपकलाल जी, संजीव, प्रियंका, तानिया, फटाफट आंसर बता दो। लक्ष्मी, चारू गांधी, चारू गांधी एकदम लास्ट शो में, लास्ट में आती हैं। 29 का आंसर हो जाएगा डी, तीताबोर। चारू जी गुड इवनिंग, चारू जी एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। और टाइमिंग याद रखिए, आप लोग बहुत लेट से आते हैं, 11:30 PM पे स्टार्ट हो जाता है सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स क्रैक। अगर पॉसिबल हो सभी मुझे अन अकेडमी में फॉलो कर सकते हैं प्रभास कुमार के नाम से, तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपको सेशन के जितने भी लिंक होंगे ना वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 30 का आंसर बता दीजिए। संजीव का SBI है, राव जी का 30 का बताइए। साउथ सेंट्रल रेलवे है साइन मा विथ विच बैंक फॉर डोर स्टेप बैंकिंग, अनामिका त्रिपाठी जी का आंसर है SBI। त्रिपाठी जी आप भी बहुत लेट से आए, 30 का आंसर क्या हो जाएगा बी। ये सेशन डेली 11:30 PM पे ही स्टार्ट हो जाता है। तो आज जो मैंने करंट अफेयर के अलावा 3 टॉपिक जो किए हैं, जितने भी बच्चों ने लिखा है प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। चंपकलाल जी, तो जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लें तो इस कोड का यूज करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टाइमिंग याद रखिए, 11:30 पे ही सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 4 PM का स्पेशल सेशन डेली बेसिस पे किया कीजिए। इसके अलावा एक और सेशन लेता हूँ 7:30 PM पे, तो इसका टाइम 7:30 PM है। चैनल कौन सा है, नॉलेज 365, तो यहाँ पे भी रेगुलर रहिए। जितने भी बच्चे हैं बस टाइमिंग याद रखिए, 11:30 पे स्टार्ट होता है तभी आ जाएगा कीजिए, ठीक है, कि सेशन मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही है, गुड नाइट। तो दीपक, प्रियंका, नामिका, नेहा, लक्ष्मी, गुड नाइट, ठीक है। सभी 11:30 पे आइए और 4 PM का स्पेशल सेशन जरूर अटेंड किया कीजिए। इसके लिए बस आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके गोल सेलेक्ट करना है, बैंक और प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा, तो आप भी लाइव हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।